नमस्कार, मैं रुचि पांडे राजनीति दरबार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण बिल के दूसरे हिस्से पर सवाल खड़े कर दिए, जिसमें केवल एक बच्चा पैदा करने वाली दंपत्ति को ज्यादा लाभ देने का प्रावधान है। वेब के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या नीति से सहमत है, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस कानून के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें एक बच्चे की पॉलिसी को प्रोत्साहन देने की बात है, उससे हम सहमत नहीं है। माना जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद सोमवार को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग को केवल एक बच्चे वाले परिवार को प्रोत्साहित ना करने का सुझाव भेजेंगे। वेब के मुताबिक उसमें बदलाव की जरूरत है, जिसके अनुसार हमने सरकार को पत्र लिखा है। वेब के कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा है कि असम और केरल में मुस्लिम फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, वहीं हिंदुओं में कम डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लोगों ने परिवार नियोजन की नीति नहीं अपनाई, उम्मीद है कि वो भी इसे अपनाएंगे। अब पूरे देश में जनसंख्या नीति लागू करने की जरूरत भी है। सरकार को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए, क्योंकि अब ये आबादी में नकारात्मक इजाफे की ओर बढ़ रहा है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने यूपी जनसंख्या विधेयक के उस प्रावधान का विरोध किया है जो कहता है कि वो उन सरकारी अधिकारियों और बाकी लोगों को पुरस्कृत करेंगे जो अपने परिवार में एक बच्चा रखेंगे। उधर वीएचपी ने यूपी जनसंख्या कानून के मसले पर राज्य विधि आयोग को अपने सुझाव भेजे हैं। वीएचपी के मुताबिक वो बिल की दोनों प्रस्तावना, यानी जनसंख्या नियंत्रण करने और दो बच्चे की नीति को बढ़ावा देने का समर्थन करते हैं। हालांकि इस बिल के सेक्शन 5, 6, 2 और 7 कहते हैं कि उन सरकारी अधिकारियों और बाकी लोगों को पुरस्कृत करेंगे जो अपने परिवारों में एक बच्चा रखेंगे। यूपी की जनसंख्या नीति का उद्देश्य बताया गया है कि एक समय सीमा के भीतर कुल प्रजनन दर को 1.7 लाया जाएगा। वीएचपी ने कहा है कि वो सेक्शन 5, 6, 2 और 7 और प्रजनन दर 1.7 लाने के उद्देश्य के सख्त खिलाफ है और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। दो बच्चों की नीति जनसंख्या नियंत्रण के लिए अच्छा है, लेकिन इससे कम करना उचित नहीं। इसके समाज पर अनेक नकारात्मक सामाजिक और आर्थिक असर पड़ेंगे। एक बच्चे की नीति में ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें एक व्यक्ति को अपने दो बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी समेत 4 लोगों का ध्यान रखना होगा। उन्हें भाई और बहन के साथ रहने में दिक्कत होती है, ज्यादा लाड प्यार भी मिलता है, जिसे लिटिल इंपीरियल सिंड्रोम भी कहा जाता है, जो समाज के लिए बहुत खतरनाक साबित भी हो सकता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए राजनीति दरबार। धन्यवाद।